हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ना, मैं अपने घर गई थी, तब से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया ना चैनल में। तो वही मैंने सोचा कि आज मुझे डालना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। आई थिंक पाँच छः दिन हो गए हैं कि मेरे चैनल में कोई वीडियो नहीं आया है। और जब वीडियो नहीं जाता ना, तो बहुत ही उलझन सी होती है। ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। तो वो है, तो बस आज मैं फ्री थी एंड आज है करवा चौथ। तो आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर, मेरा कोई फास्ट नहीं है, क्योंकि मेरी कोई अभी शादी नहीं हुई है, तो मेरा फास्ट नहीं है। जिसका जिसका भी फास्ट है, उसको ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। एंड आज ना मुझे बहुत सारी ना शॉपिंग करनी है। तो आज का थोड़ा सा डे मेरा बिजी रहेगा। मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ, एक्चुअली मेरे रूम में ना छोटी छोटी चीज़ें, ग्रॉसरी की सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मतलब इवन की शक्कर, चाय पत्ती, ऐसी बेसिक चीज़ें भी नहीं है, क्योंकि पूरा मंथ एंड हो चुका है ना। इसलिए हम मंथ स्टार्टिंग में लेते हैं एक साथ सारी चीज़ें, और फिर वो मंथ एंड। आई थिंक सभी यही करते होंगे, बैचलर हो गए या जो फैमिली के साथ अपने रहते हैं। तो मैं आज जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए। एंड अभी दिवाली भी तो आ रही है यार, वो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। किस किस का फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है, वो मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मेरा तो हमेशा से मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो दिवाली का फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। तो अभी मुझे दिवाली की भी शॉपिंग करनी है एंड ग्रॉसरी भी लेनी है एंड बहुत सारी चीज़ें लेनी है। वैसे मैं अपने घर के लड्डू गोपाल, आपने देखा होगा, उनके लिए शॉपिंग हो गई है थोड़ी सी। उनका मैं ड्रेस आप लोगों को दिखाती हूँ, वो कितना प्यारा है, और मैंने इंदौर से नहीं लिया उसको, मैंने वृंदावन से मंगाया हुआ है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कितना खूबसूरत है, जस्ट दिखाती हूँ। एंड ये देखिए, ये है मेरे लड्डू गोपाल का ड्रेस पूरा, कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर है एक्चुअली। जब पहनेंगे ना तो और भी सुंदर लगेगा। और साथ में है ये मुकुट, देखिए मुकुट भी कितनी सुंदर है। और एक और है, दो तो हमने मंगाया है ना, कितना सुंदर। ये बताना किस किस को अच्छा लगा, ये देखो। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर। तो अभी भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो बस मैं रेडी हो गई हूँ थोड़ा सा और जा रही हूँ खाने। और देखिए, तो चलिए चलते हैं कि क्या खाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकले बाहर, और बाहर ना धूप बहुत तेज़ थी। और यार, जहाँ हम जा रहे हैं ना, वो बहुत छोटा रेस्टोरेंट है खाने के लिए, लेकिन वहाँ का टेस्ट एकदम लाजवाब होता है। तो मैं स्टार्टर में ली हूँ चिली पनीर, जो कि बहुत टेस्टी होता है। मुझे इंदौर का यहीं का चिली पनीर अच्छा लगता है। हमने स्टार्टर में लिया था चिली पनीर, मेन कोर्स में हमने लिया था बटर खिचड़ी, क्योंकि बस इतना खा के पेट भर चुका था ऑलमोस्ट, तो बस बटर खिचड़ी लिया। खाना खाने के बाद हम निकले, और देखिए इंदौर कैसे सजा हुआ है दिवाली और करवा चौथ, जो भी। तो ज्वेलर्स तो कुछ ज़्यादा ही सजा के रखे हुए हैं। फिर इसके बाद हम खुद गए ज्वेलर्स के यहाँ, और हमारे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं अमिताभ बच्चन, तो आपका हम थैंक यू करते हैं। इसके बाद हम अंदर गए, अंदर बहुत सारा गोल्ड का कलेक्शन था, बट हम सेकंड फ्लोर में गए क्योंकि मुझे लेना था रिंग। बट रिंग ना, मैंने मुझे छोटी रिंग लेना था, बट इनके यहाँ बहुत बड़े बड़े साइज के थे और अच्छी कुछ मुझे लग नहीं रही, और भैया मुझे कन्विंस करने में लगे हैं, लेकिन मुझे इनका कलेक्शन पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ गए हैं खा पी के बढ़िया सा, और थोड़ा बहुत घूम घाम के, बाकी कुछ भी ज़्यादा नहीं ख़रीदा है। बस यही था आज का मेरा फुल ब्लॉग। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने